कोई आखे पूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक साहब जी दे व्याह पुरब दियां आप सब संगतां नूं लख लख वधाइयां होण। गुरु नानक साहब दे व्याह बारे लेखकां दी वक्री वक्री राय है। कई पुरातन लिखतां विच व्याह सुल्तानपुर आउण तों पहलां छोटी उम्र विच ही होना लिखिया है, पर जन्म साखी अते नानक प्रकाश अनुसार हाड़ सुधी सत्तवीं बिक्रमी संबत 1545 नूं 19 साल की उम्र विच होया मन्निया गया है। जिला गुरदासपुर रावियों पार डेरा बाबा नानक तो 2 मील ते एक पिंड पखो की है, जो भाई पखे रंधावे ने आबाद किया। भाई अजिते का दादा अते भाई हिते का पिता सी। इस नाँ के 2 पिंड होर हैं, पखो की चूड़ सिंह वाली ते पखो की टाली साहब वाली, जो तिने डेरा बाबा नानक दे नेड़े हैं। पुराने कागजा विच डेरा बाबा नानक का नाँ भी पखो के डेरा बाबा नानक है। संभव है ये सारे ही भाई पखे ने आबाद किए हो। पहला जिस पिंड पखो की का जिक्र आया है, उस इलाके का पटवारी भाई मूल चंद सी, जो बटाले के वसनीक भाई सिधी चंद का पुत्र सी अते इत्थे नौकरी होने करके रहिंदा सी। इस दी पत्नी का नाम चंदो सी। इन्हां नूं जदों पता लग्या कि मेहता कालू बेदी का पुत्र दौलत खां हाकम कोल मोदी है, तो सारे लोग उसकी बड़ी उपमा करते हैं, तो अपनी सपुत्री सुलखणी का रिश्ता देने की इन्होंने मन में ठान ली। इधर भाई जय राम भी रिश्ते की भाल में सन। गलबात होने ते रिश्ता पक्का हो गया। बेबे नानकी जी ने निधे ब्राह्मण हत्थी तलवंडी वधाई की चिट्ठी भेज दी। चिट्ठी पढ़ के मेहता जी गदगद हो गए। राय बुलार नूं वधाई दित्ती ते अपने सहुरे रामदेव ते साले कृष्ण चंद ते सस भराई नूं भी सद्दा पत्र भेज दिता। जद सारा परिवार तलवंडी विच आ जुड़िया तां होर भी कई पतवंते सज्जन जिन्हां दा जिक्र पुरातन लिखतां विच आउंदा है, जिवें भाई लाल चंद लालू, परसराम, सिद्धर सैन, जगत राय, जगजीत मल, जट मल, जग राय चंद, अर्जन राय आदि। इन्हां दा एक तकड़ा जथा सुल्तानपुर वल तुर पिया, जिन्हां नाल भाई मरदाना जी अते भाई बाले दे पिता चंद्रभान भी सन। सुल्तानपुर पुजन ते भाई जय राम ते बेबे नानकी ने बेहद खुशी मनाई। सब ने मेहता जी नूं वधाई दित्ती। इस समय भाई मरदाने ने भी अगे हो के गुरु साहब तो वधाई मंगी। इसका जिक्र भी सानू पुरातन लिखतां विच मिलता है। इस तरह मेल मिलाप उपरंत विआह की तैयारी होई ते जन बटाले जा पहुँची, जो अमृतसर पठानकोट रेलवे लाइन दे जिला गुरदासपुर विच है। ये बलहौल लोधी खां दे राज समय भट्टी राजपूत रामदेव ने आबाद किया। इस पिंड का चौधरी भाई हिता रंधावा सी, जो अजिते रंधावे का पिता सी। भाई मूले ने हिते चौधरी नूं बरात ते अगे खड़ोन लई कहा, पर बिरध होण कारण उन्होंने अजिते नूं भेज दिता ते आख्या, मूलिया मेरी देह वड्डी है, नहीं तां तेरे नाल ही मैं होवां, भले लोग तेरे घर टुकणे हन, कुछ शर्म लोची। सो नगर विच चोणे ते दोखत्री परिवार वधेरे गिणती विच सन। भाई मूल चंद सनातनी ख्यालां दा सी ते गुरु साहिब बेलोड़ियां रस्मां रीतां दी परवाह नहीं सन करदे। इस ते कुछ चर्चा भी होई। ज्ञानी ठाकर सिंह अनुसार ये वाद विवाद छूहणियां अपनाउण ते होया, जो हिंदू रीति सी। छूहणियां यानी कि मिट्टी दे ढक्कण विच अग पा के पुरोहित वेद मंत्र पढ़े ते लाड़े नूं कहे कि इन्हां ते छाल मार। जद गुरुदेव ने इस तरह करन तो ना कर दिती तां खासा झगड़ा होया। चौणे तां इत्थों तक तैयार हो गए कि विआह कीता ही ना जा। इस वाद विवाद कारण जंज दा टिकाओ भी नगर वासियां नूं जमीत राम बंसी दी हवेली विच करवाउणा पिया। इस समय सुभावक बचन भी सतगुरां ने बोल दिते, भंडारी भरे रहणगे ते चौणे चुणे जाणगे। इस चर्चा वार्ता दा सिट्टा इह सी कि चौणे परिवार दीआं बीबियां ने गुरु साहब का आसन एक पुरानी दीवार को लाया, जो डिगण वाली ही जापदी सी। जद एक बिरध माता ने गुरु नानक साहब जी नूं कहा कि कंध लाग्यों उठ बवो, ये डिगण वाली है, तो हजूर ने वचन किया, ये नहीं डिगेगी, जो एक पवित्र यादगार वजों अजे भी कायम है। सो इस तरीके दे नाल
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।